दादा जी, महाराज के घाव में टाके लगने की पीड़ा चेहरे पर झलक क्यों नहीं रही? श्वास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है महारानी साहब, इन्हें किसी अन्य औषधि की आवश्यकता है। दूसरी औषधि? कहाँ है वो दूसरी औषधि? Your Excellency, मैं डॉक्टर को ले आया हूँ। इनके पास सारे मेडिसिन है। मुझे विश्वास है कि His Majesty will be saved. Doctor. इन्हें अर्जेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स देना होगा। हाँ डॉक्टर, क्विकली। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब ये देखना चाह रहे थे अभी झांसी नरेश पर ये राज मुकुट कैसा दिखता है। अजय, ये नेवालकर वंश का गौरवशाली मुकुट है और इस समय हमारे राज के मस्तक पर रखने की इच्छा हो रही, परंतु मस्तक पर राज मुकुट राज्याभिषेक के मंत्रोच्चार के पश्चात ही रखा जाता है। मंत्रोच्चार आरंभ कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि ओम सुमखश्चैकदन्तश्च कपिलोगजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानन द्वादशैर्नवतानि नामानि यकुटेश्वर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्च विघ्नस्तस्न जायते शुक्लाम्बरधरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्यर्थं पूजितोऽय सुरासुरैः सर्वविघ्नहरैः तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते सर्वदा सावधान। झांसी नरेश महाराज दामोदर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय। जब से हम आपके साथ ही सलूट है, न जाने क्यों हमारे कानों में केवल तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। सोचते होंगे कि दामोदर कहाँ चला गया, कहीं नहीं गया, वो सब हमारे साथ है, हम सबके साथ है। इस बार वो छुप गया है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं।
आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ है। कब, कहां, कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। इस मलंग ने तुझे आगाह किया था। पांचवा खतरा आसमान पे मंडरा रहा है। क्या पता पांचवी मौत वही हो। भाई साहब को रोको, कोई क्या ये गंगाधर राव का स्वर्गवास हो चुका है। आत्या जी, महारानी साहब के प्रति आपकी निष्ठा और श्रद्धा का हम सम्मान करते हैं, किंतु शास्त्र और समाज तो यही कहता है ना कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का वैधव्य जीवन जीना ही उसकी नियति है, और इसे वे स्वीकार करती हैं। उनका संसार तो महाराज के साथ था ना, जब वो नहीं रहे तो ये अपना शेष जीवन तो अन्य विधवा स्त्रियों की तरह काशी में व्यतीत करेंगी। नहीं, कदापि नहीं। मोरोपंत जी, आप ही शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, आप इन्हें समझाइए ना। तात्या, पंडित जी कह रहे हैं वो सत्य। नहीं मोरोपंत जी, आप किसी भी तरह से महारानी साहिब को समझाइए, क्योंकि झांसी इस वक्त घोर संकट में है। अगर महारानी साहिब राजकाज से विमुक्त हो गई तो ये अंग्रेज इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे, और फिर युवराज भी तो इस वक्त राजकाज संभालने योग्य नहीं है। तात्या जी, यदि महारानी साहिब ने ऐसा प्रण लिया है तो हमें पूरा विश्वास है तात्या जी आप उन्हें अवश्य मना लेंगे। देवा से मनाइए कि हमारी बाई साहेब ने प्रण नहीं लिया हो। यदि उन्होंने ठान ली है तो अपने प्रण से विरक्त होना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। पत्रों ना जानती नहीं थी आजी साहब, झांसी की नियति उसे बार बार रुलाने पर तुली हुई है। ना मेरे बच्चे, अरे तू तो लक्ष्मी है, दुर्गा है, दुर्गा तो रक्षक है, वो स्वयं कभी नहीं रोती बेटा, वो तो धरती के भक्षकों का नाश करती है। अब हमने सुना है कि तू रात से जीवन त्याग रही है। सब कुछ तो समाप्त हो गया। हमारी आप सबसे विनती है, हमें अकेला छोड़ दे। महाराज के
अंतिम यात्रा हेतु उन्हें तैयार करना है। परंतु बनो हमें कुछ पल, कुछ अंतिम पल महाराज के साथ बिता लेने दीजिए पापा। जायते माने शरीर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारे हृदय में केवल आप है और आप ही रहेंगे। अब हमें पूर्ण आभास हो गया है कि जितना हम आपसे प्रेम करते हैं आप भी हमसे उतना ही करती हैं। अब हम दोनों मिलकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे। महाराज हमने आपको तैयार कर दिया। अब हमें भी तो तैयार होना है। आपके साथ चलना है। जाने की घड़ी आ गई है। महाराज से अलग होने के दुख का आभास हमें भी है बेटे। महाराज से अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सदा उनके साथ रहेंगे। Oh,
आप हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चले। आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चले। सुख दुख के साझेदार हैं। आपका स्थान हमारे हृदय में है लक्ष्मी। हमारे हृदय में केवल आप है और आती रहेंगे। अब विश्वास कीजिए, गंगाधर आपके बिना अधूरा है। देवा, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज कोई कोई देख लेगा। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे। दुनिया चाहे जो कहे, ये गंगाधर अपने लक्ष्मी के साथ था, है और सदैव रहेगा। अब आप और हम मिलकर झांसी का भविष्य संवारें। माननीय मोरबंद तांबे जी को झांसी के दरबार में उच्च मंत्री पद देने की हम घोषणा करते हैं। पर आपकी वेशभूषा देखकर हमें ऐसे लगता है जैसे रणभूमि में कोई योद्धा खड़ा। हम वीरों का सम्मान करते हैं तात्या गुरु। कभी आइए हमारे झांसी। आपका झांसी में अतिथि के रूप में एक सत्कार करना हमारे लिए गौरवमय होगा। कुर्बानी जाया नहीं गई। आज आपके ख्वाब को आपके अली बहादुर ने पूरा करके दिखा दिया। इंशाल्लाह जी, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि अली बहादुर ने आक्रमण करके सारा गांव अपने अधिकार में ले लिया। भाई साहब, उस अली बहादुर ने झांसी के सीमावर्ती गांव पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर लिया है। उठिए भाई साहब,
आज्ञा दीजिए हमें। किसी भी पल वो दुष्ट अली बहादुर हमारे झांसी के किले पर आक्रमण कर सकता है। महारानी साहब हमें बचा लीजिए, उस पापी अली बहादुर ने पूरा गांव अपने अधिकार में ले लिया है। चाचा जी, हर एक्सलेंसी कुछ आंसर नहीं दे रही है। भगवान के लिए उठ जाइए भाई साहब, भगवान के लिए उठ जाइए। आश्चर्य, आज झांसी की महारानी को अपने प्रजा की चीखें सुनाई नहीं दे रही। नहीं, इस समय आप केवल एक पत्नी है जो अपने पति से बिछड़ गई है। अत्यंत गर्व था मैं, यदि हमें कुछ हो जाए तो हमारी लक्ष्मी के हाथों हमारी झांसी सुरक्षित है। परंतु आपने केवल हमें नहीं अपनी प्रजा को भी आहत किया। कहां गई वो लक्ष्मी जिसे क्रांति गुरु का अस्तित्व एक परछाई की तरह जुड़ा हुआ था? आप तो बड़े गर्व से कह दीजिए कि पत्नी धर्म और राज धर्म दोनों एक समान है, और एक धर्म के लिए दूसरे धर्म का हम साथ नहीं छोड़ सकते। आज आपका पत्नी धर्म अपने राज धर्म पे हावी कैसे हो गया लक्ष्मी? इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे, रोक लो उसे, रोक लो उसे। रोक लो उन्हें, रोको लक्ष्मी, वो हमारे धरती माँ के आचर को गंदा करने आ रहे हैं। आपको केवल आनंद को ही नहीं, झांसी के 2,00,000 संतानों को भी अनाथ होने से बचाना है, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे, रोक लो, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो, रोक लो उसे, रोक लो, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। रोक लो उसे। नहीं,
झांसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये झांसी हमारे दामोदर की है और जब तक उसकी माँ जीवित है तब तक उसकी झांसी पर आंच भी नहीं आने देंगे। रघुनाथ जी के साथ उस अली बहादुर को उसकी औकात याद दिला दीजिए। अली बहादुर महाराज मरे नहीं अमर हुए हैं। अमर, हमने तुझसे पहले भी कहा था तू लाख चेष्टा कर ले नेवालकर वंश का नाम तुझे कभी नहीं मिल सकता और ना ही नेवालकर वंश का सिंहासन। जब तक लक्ष्मीबाई जीवित है तुझ जैसे दृढ़ मानसिकता वाले हाथ हंसी के सिंहासन तक पहुंच भी नहीं सकते और ना हम पहुंचने देंगे। अरे आज तुझे तेरी मौत यहां खींच के लाई है। डर गया? अरे इतनी आसान मौत नहीं देंगे हम तुझे अली बहादुर। तूने तो हमें हमारे महाराज का शोक बनाने का भी अवसर नहीं दिया और अब तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। भाग, भाग अली बहादुर भाग। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।